इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आर्यन खान को डिटेन कर दिया गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि आर्यन खान जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं, टॉप सोर्सेस का तो यही कहना है रिपोर्ट्स में, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, वी हैव टू वेट फॉर दैट। मैंने आपको पास की वीडियोस में वो भी नाम बताए हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं, जो कि टॉप सोर्सेस ने बताए हैं। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो एनसीबी चीफ SN प्रधान जी ने ANI को दिए गए इंटरव्यू के दौरान क्या बड़ा खुलासा किया है। बहुत बढ़िया काम एनसीबी, आप साफ कर दीजिए मुंबई को, जिस तरीके से चीजें हुई हैं मुंबई में, और सुशांत भाई का नाम भी इस चीजों में आया था दोस्तों, मतलब कि लोगों ने घसीटने की उन्हें कोशिश करी थी, बट कौन करता था कौन नहीं करता था ये बात क्लियर हो गई थी। तो एनसीबी दोस्तों इस पूरे रैकेट को पर्दाफाश कर रही है, धीरे धीरे करके सारी चीजें सामने आ रही हैं। एंड ऐसे में मिस्टर SN प्रधान जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं, इट्स अ रिजल्ट ऑफ पेनस्टॉकिंग इन्वेस्टिगेशन दैट वेंट ऑन फॉर 2 weeks। वी एक्टेड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम बॉलीवुड लिंक्स हैज कम टू लाइट। तो यहां पर दोस्तों प्रधान सर इस बारे में ये बात करते हुए नजर आए हैं कि हमने जो है बहुत ही मेहनत करी है, हमने पेनस्टॉकिंग इन्वेस्टिगेशन किया है, और उसी का ही ये रिजल्ट है, आउटकम है कि इस तरीके की गिरफ्तारी और हमारे हाथों इतना बड़ा नाम सामने आया है। वो कहते हैं कि वी एक्टेड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम बॉलीवुड लिंक्स। तो बॉलीवुड लिंक्स यानी कि बॉलीवुड, यार ये कंगना की बात मुझे याद आ जाती है बार बार कि बॉलीवुड में आधी से ज्यादा बॉलीवुड जो है वो नशा करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें सामने आई हैं, एंड इस पर आप लोगों को क्या है कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें FIFA फूस, और मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं, अलविदा।